वेलकम बैक टू माय व्लॉग प्री गौर गीत लव। मेरी मामा बाहर काम कर रही, तो मैंने सोचा मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा स्पाइसी सा बना लेती हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अप्पे बनाती हूँ। मेरी जो मम्मा है ना, वो वर्ल्ड के बेस्ट अप्पे बनाती है, तो मैं आज आप सबको भी बताऊँगी इजी अप्पे की रेसिपी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं। तो सबसे पहले हमने सूजी ले लिया है, उसके बाद हमें इसमें दही डालना है। देखिए इसमें दही डालना है और इसे मिलाते जाना है। ओके गाइस, देखिए मैंने रवा और दही को मिला लिया है, अच्छे से मिलाना है इसे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट मिलाएंगे, नमक हमें स्वाद अनुसार इसमें डालना है, और इसे फिर से धीरे धीरे करके मिला लेना है। आप मोमोज़ की चटनी भी इसमें डाल सकते हैं, मैं तो इसमें मोमोज़ की चटनी डालूँगी। गाइस मैं मोमोज़ की चटनी इसमें इसलिए डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए, मेरी मम्मा को स्पाइसी बहुत पसंद। गाइस देखिए इसका कलर बिल्कुल रेड रेड स्पाइसी हो गया। अगर आपके पास मोमोज़ की चटनी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सेज़वान चटनी भी डाल सकते हो, और अगर आपके पास सेज़वान चटनी भी नहीं है तो आप इसमें कोई भी चटनी मत डालिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इसमें चटनी डालें ही। अब हमें टमाटो पटैटो और चिली ओनियन को कट कर लेना है। सो 1 2 गाइस देखिए मैंने इसे कितने अच्छे से कट कर लिया है। अब हम लोगों को वो अप्पे पैन ले लेना है, या अप्पे मेकर भी बोल सकते हैं। गाइस मैंने अप्पे मेकर ले लिया, अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालना है। गाइस देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा घी सब पैन्स में लगा दिया है, सब ब्लॉक्स में मैंने घी लगा दिया है। अब हमें राई और ज़ीरा इसके अंदर रख देना है, पेस्ट है, और ये हमारे चॉप्ड टमाटोज एंड ओनियन। गाइस देखिए मैंने इसमें सब डाल दिया है, जीरा भी डाल दिया, राई भी डाल दी और घी भी लगा दिया। लेकिन अभी हमारे पेस्ट में एक चीज़ कम है, एनी गेसेस? अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताएं, और वो चीज़ है इनो। इनो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, अगर ये नहीं डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से नहीं बनेंगे और ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो मैंने इनो डाल दिया, अब इसे फिर से मिलाना है, मिला लेना है। ओके देखिए मैंने इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने वेजिटेबल्स को कट किया है, अब हमें उसे इसमें मिक्स कर देना है। देखिए मैंने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल दी, हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओके गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें इसे पैन में डाल देना है या फिर अप्पे मेकर में डाल देना है। गाइस देखिए मैंने इसे फिल कर दिया, अब गैस ऑन करनी है और उसे इसके ऊपर रख के ढक देना है। सो गाइस मैंने गैस ऑन कर ली है, अब इस पर अप्पे मेकर रख देते हैं। ये देखिए मेरे यमी यमी अप्पे, आप भी इसे घर पे जल्दी से बनाइए, और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अब इसे हम ढक के रख देते हैं। सो मैं इसे ढक रही हूँ ये, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन बच्चे अपनी मम्मा के लिए ये सब बनाते रहते हैं, और अपना नेम ज़रूर बताइएगा। ओके अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये अप्पे बन के कैसे तैयार होते हैं। देखिए मेरे अप्पे बन गए हैं, कुछ अप्पे थोड़े से लगता है मैंने निकालते टाइम गड़बड़ कर दी, लेकिन देखिए कितना अच्छे से क्रंची से स्पाइसी से अप्पे दिख रहा है। अब मैं वेट नहीं कर सकती खाने के लिए, तो अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।